نصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم। बड़ी मोहब्बत नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दे नजराने सलात व सलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिक या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैक या इमाम अल अंबिया व अल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिक या खातम अल नबीयीन। मेरे नहायत ही वाजिब अल एहतराम सादात कराम ज़बेल एहतिशाम उलमाए कराम कुर्रा हज़रात सना खाना ने मुस्तफ़ा हाज़रीन व सामीन अज़ीज़ मुहतशम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के ओहदेदारान ज़िम्मेदारान कारकुनान तमाम आशकान रसूल, मैं और आप आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर हाज़र हाँ। अल्लाह जल्ला मजदुहल करीम तुहाड़ी मेरी हाज़री कबूल फरमाए और जिन्हें दोस्तों ने महफिल पाक का इंतजाम इहतमाम इंशराम किया उन्होंने मस्जिद की इंतजामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अज की महफल की सदारत साहिब सदर वाजिबुल कदर साहिबजादा पीर सैयद बिलाल शाह साहेब इमामी सजादा नशीन इमाम पाक सरकार आप फरमा रहे ने और मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब चौधरी गज़नफर रफीक गुजर साहेब उम्मीदवार पी पी 38 सिटी सियालकोट मलक चांद साहेब नायब अमीर पी पी 38 मोहतरम जनाब बिलाल हफीज साहेब नाजम खिदमत खल्क शेख अतीक साहेब नाजम आला पी पी 37 अरबाब नवीद गुजर साहेब लीगल एडवाइज़र पी पी 38 और मेज़बान महफिल जनाब मुहम्मद अवैस भाई साहेब मस्जिद की इंतजामिया अल्लाह ताला सब नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया यदुल्लाह फौका एदीहिम। आज दी गुफ्तगू जितनी भी 25 से 30 मिनट होएगी लेकिन मौजू एक ही है कि हुजूर दे दस्ते मुबारक दा तसर्रुफ आका करीम दे दस्ते मुबारक दी करामात हुजूर दे दस्ते मुबारक दियां बरकात। जंगे बदर के अंदर जो तुहाडे मेरे मदनी लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए और मुख्तलिफ मारके होंदे रहे बदर के अंदर लेकिन आखिरी मारका जिदे अंदर फतह हुई तुहाडे मेरे मदनी लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी और कंकरियां दी एक मुठ लई एक मुश्त और आका अलैहि सलाम ने उसनू मुशरकीन वल फेंकिया। बस हजूर दे कंकरियां और रेत फेंकन की देर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग का पासा पलट दिता और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा दी। अच्छा जो जंग खत्म हुई ना मुसलमानों को फतह हो गई मुशरकीन नू शिकस्त फाश हो गई तो आका अलैहि सलातो सलाम नमाज पढ़ा रहे सन सहाबा ने। ये वो जंग है जिदे अंदर हजरत जिबरीले अमी की क्यादत के अंदर फरिश्ते आए सन। हालांकि एक गल रेहने च रखो फरिश्तिया का काम जंगा लड़ना नहीं यानी आका अलैहि सलाम तो पहले 1,24,000 अंबिया आए रसूल आए उलुल अज़्म आए। आका अलैहि सलाम ने साथ फरमाया सैयदुल अंबिया खमसा
नूह व इब्राहिम व मूसा व ईसा व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, और अंबिया दियां रसूल दियां मुशरकीन नाल कुफार नाल जंगा भी हुई, लेकिन किसी जंग के अंदर फरिश्ते तलवारां लैके नहीं आए, असला उठा के मलाइका नहीं आए। क्यों? मलाइका का काम ही जंगा लड़ना नहीं है। मलाइका का काम जंगा लड़ना नहीं, इस तो पहले भी कभी नहीं आए और हुण भी कभी नहीं आउणगे जंग लड़न वास्ते असला उठा के। लेकिन जो बदर की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तियां नूं फरमाया कि फरिश्तियो अज मेरे महबूब ने आसमान वल देखा, आसमान वाले देखे, क्योंकि महबूब के गुलामों की तादाद थोड़ी है और कुफर दे नाल उन्हां दी पहली बाकायदा इतनी बड़ी जंग है, और मेरे महबूब का जी चाहता है कि तुसी महबूब के गुलामों की मदद वास्ते जाओ। अब जी चाहिया महबूब का तो अल्लाह ने मलाइका नूं असला पकड़ा के भेज दिता। क्यों? मैं जंगा लड़न वास्ते नहीं बनाया, लेकिन महबूब दे दिल च आ गई है, लिहाजा असला उठाओ, उंजी करो जिवें मेरे महबूब की रजा है, जिवें मेरे महबूब की रजा है। फरिश्ते आ गए, अच्छा जंग फतह हो गई, और इस जंग के अंदर जो जंग फतह हो गई ना, बाद के अंदर गुफ्तगू हुई तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई बार ऐसा होया कि असी किसी बंदे नूं कतल करन वास्ते अगे बढ़ते सना, साढ़े तो पहले ही उहदा सर कलम हो जाता सी, और असा एक आवाज सुनी, अकदम या हैजूम, अकदम या हैजूम, ए आवाज भी सुनी तो आका अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि हैजूम हजरत जिब्राइल दे घोड़े दा नाम सी, वो अपने घोड़े नूं कहंदे सन हैजूम अगे पड़, हैजूम अगे पड़, असी महबूब दे गुलामां दी मदद वास्ते आए हैं, महबूब दे गुलामां दी मदद वास्ते आए। फरमाया जो सिर कलम हो जाते सर ना, तुहाडे तलवार चलन तो पहले वह मलाइका तलवार चला रहे सन। जंग फतह हो गई, हुजूर नमाज पढ़ा रहे सन गुलामां नूं, जिब्रील अमी ने अपने साथियों नूं लिया, आसमाना वाल चले गए। अच्छा जदों आसमाना ते गए ना, अगों दरवाजा बंद, रब ने फरमाया जिब्रील आ गए, जी रब्बे जलील हाजर, फरमाया मेरे हबीब को इजाजत लैके आए हो या वैसे ही आ गए? अर्ज की मौला जंग खत्म हो गई सी, जंग वास्ते असी गए सां, तुहाडे महबूब नमाज पढ़ाने लग पे, असी क्या जंग खत्म हो गई, साडा काम मुकम्मल हो गया, असी वापस आ गए। फरमाया नहीं, जा वापस मेरे महबूब की बारगाह दे अंदर, जा मेरे महबूब की बारगाह दे अंदर। अच्छा आका अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे सन, नमाज पढ़ा के जो सलाम फेरा ना, सहाबा अर्ज करते सुने, अज असा नमाज के अंदर देखे तुसी मुस्कुरा रहे सन, हुण इमाम नमाज पढ़ रहा है, मुक्तदी पिछे खलोते हो, उन्होंने पता लगता है इमाम मुस्कुरा रहा है कि कर रहे हैं, नमाज के टाइम क्याम निगाहां कित्थे रखनियां ने, सजदे की जगह ते ही रखनी है ना, जे कोई इधर उधर वेखी जाता हो। अब तुहाडी मेरी बात और है, हजूर के गुलामों की, हजूर के सियाबा की बात और है। सियाबा तो फरमाते ने असी जो नमाज फर्ज पढ़ लेने ना, तो ऐसी साइड से होके खलोना, फा उसारे को नजरा ही ले, नमाज भी पढ़ते रहना, तो निगाहां चुरा चुरा के चेहरे मुस्तफा भी तकते रहना। पता चला सहाबा नमाज भी पढ़ रहे सन, चेहरे मुस्तफा भी तक रहे सन, सुने तुसी मुस्कुरा रहे सो। फरमाया हाँ, जिब्रील जो आसमाना ते गए ना, ते अगों आसमाना दा दरवाजा बंद सी, रब ने फरमाया मेरे हबीब तो इजाजत लैके आए हो या आपे ही आ गए? नहीं मौला, मैं इजाजत ते नहीं लैके आया। फरमाया जाओ, फिर जिनी देर मेरा महबूब इजाजत ना देवे उन्नी देर वापस नहीं आना। ते फिर मैं जिब्रील सामने आ गए, जो मैं नमाज पढ़ा रहा सा, उन्हें पूछा सोने की हुक्म है? फिर मैं इजाजत दे दी, तो हजूर मुस्कुराए क्यों?
गोया के हजूर तुहानू मैनू समझा रहे सन कि अज जिबरील नू भी पता चलिया ते तुहानू भी क्यामत तक पता चल जाना चाहिए है अल्लाह ने महबूब नू केटियां अजमतां ते शाना अता फरमाईया। महबूब नू केटियां अजमतां ते शाना अता फरमाईया। मैं अर्ज कर रहा सा कि यह जंग फतह हुई हजूर दे कंकरियां फेंकण नाल हजूर दे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्ते मुस्तफा नूं ताकतां अता फरमाईयां। सहाबा फरमांदे ने एक दिन असीं सफर ते जा रहे सां, पानी खत्म हो गया। जदों पानी खत्म होया ना ते सहाबा मिल के हजूर दी बारगाह च आ गए। आका अलैहि सलातो सलाम, बल्कि ये हुदैबिया दी बात है, हुदैबिया दे मुकाम ते पानी खत्म हो गया। सहाबा जमा होके आ गया, सोहणिया पानी खत्म हो गया। फिर मैं किसी कोल पानी है को थोड़ा बहुत ते लै आओ। वो दो चार बर्तना चो कट्ठा करके ने एक बर्तन थोड़ा जिहा पानी लिया। जो एक बर्तन पानी लिया ना, वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ फिल इना, तुहाडे मेरे मदनी लजपाल आका ने ना अपना दस्ते मुबारक जिस रब न फरमाए यदुल, जिस हाथ न रब फरमाए यदुल्लाह फौका अयदीहिम, वो हाथ जिस हाथ न रब अपना हाथ फरमाए, जिस हाथ न रब अपना हाथ फरमाए। हजूर ने वो हाथ जो बर्तन के अंदर रखा ना, तो सहाबा फरमाते ने कसम है उस रब की जेदे कब्जा है कुदरत अंदर जान है, आका करीम दिया मुबारक उंगलों चो पानी इंज निकल रहा सी जिवें चश्मे जारी हो गए ने। फिर मैं जिन्ने सहाबा सन, सहाबा की किन्नी तादाद सी 1500, किन्नी तादाद सी हुदैबिया के मुकाम से 1500। सरकार ने साफ फरमाया भाई आ जाओ, सारे पानी पी भी लो, वजू भी कर लो, मशकीदे भी भर लो, जानवरों भी पिला लो। सब ने पानी पीता, वजू किए, मशकीदे भरे, अपनी सारिया जरूरत पूरी कीतिया। अच्छा, एक सियाबी पुछते ने, कहते ने कि तुसी कितनी तादाद से? फरमाया असी है तो 1500 सा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, लेकिन कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, अगर हम 1,00,000 भी होते लकफाना तो ये पानी हमारे लिए काफी हो जाता। अगर 1,00,000 भी होते, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्ते मुस्तफा नूं वो तसर्रुफ अता फरमाया सी, वो ताकत अता फरमाईया सी। हजरत अनस फरमांदे ने एक दिन चन ग्रहण सूरज ग्रहण लग गया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। मैं नमाज पढ़ांदे होया ना आका अलैहि सलातो सलाम मुसल्ले ते एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ उपर करके ना किसी चीज नूं पकड़िया, फिर छोड़ दिता, वह कदम भी वापस उस जगह से ले आंदा। जदों नमाज हो गई ना तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी अज नमाज के दौरान यह नज़ारा देखिया, इहदे च की हिकमत है? तो आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों मैं नमाज पढ़ा रहा सा ना, मैं एक कदम अगे बढ़ाया तो जन्नत दे अंदर अंगूरां दे खोशे लटक रहे सन। किथे? उच्ची बोलो, जन्नत किथे है? इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा, ऐ सात आसमान उपर सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत उत्थे है। सरकार ने शास्त्र में मैं एक कदम बढ़ाया ते हाथ जो उपर किया ना ते मैं वो अंगूर का खोसा जो जन्नत ते लटक रहा सी उन्होंने पकड़ लिया। यार दस्ते मुस्तफा की ताकत देखो, हजूर खलोते मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मुसल्ले ते ने, ते सोने ने हाथ बढ़ाया ते हाथ जन्नत तक पहुंच गया। जिस महबूब के हाथ की ताकत है हाथ उठाने ते जन्नत तक पहुंच जाए, क्या वह गुलामों की कंध ते नहीं आ सकता? ऐवें पीर मेरे अली शाह ने नहीं किया कि जेड़ा बंदा हुजूर दी खत्मे नबुव्वत दा पहरेदार हुंदा है सोने मुस्तफा दा हाथों दी कंड ते हुंदा है।
उस हाथ का तसर तसरफ और बराकात ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हरेक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान नू हर मोड़ ते हर दुख दे वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी और कामरानी अता फरमाई, हर मैदान कामयाबी अता फरमाई। इहदा मतलब यह है कि रब चाहता है मेरे महबूब के गुलाम अगे आने, मेरे महबूब के गुलाम अगे आने। इस वास्ते हर मैदान के अंदर जिन्ना भी कड़ा इम्तिहान होए अल्लाह ने हर मैदान कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। कई बार ऐसा होया कि ना समझा जी अब तो ये तहरीक खत्म हो गई, बड़े बड़े आके ऐलान करते सन कि हमने तहरीक लब्बैक की ताकत को कुचल दिया है, और टली दा ऐलान तो सुने ही ना कि अब ये गली कूचों में सड़कों पर बाजारों में कभी नजर नहीं आएंगे, हमने इनकी ताकत को कुचल दिया है। और आज देखें जो कल अदब करने वाले थे अपनी बका की भीख मांग रहे हैं, और मेरे आका के गुलाम आज भी आका की अजमत के नारे लगा रहे हैं। उधर तक कहते जी हमने सोशल मीडिया वालों को भी कह दिया है कि आप बाज आ जाएं, इनकी पोस्टें ना चलाएं, अब अगर कोई पोस्ट चलाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होनो किथे है जी, लेकिन असी अल्हम्दुलिल्लाह साडी तरबियत किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने की थी, हां साडी तरबियत किबला बाबा जी ने की थी, ना असी किसी सियासी दे डर के गए ना ही जेड़े ताकतवर ने उन्होंने दर से गए, ना ही असी किसी की मेहनत की, सानू बाबा जी एक ही दर दिखा के गए सर। और जो भी किसी ने कहा फलाने को जाओ मसला हल हो जाएगा, असी बाबा जी की जुबान से ही कहते रहे मर ही जाऊं तेरे सर से जाऊं दो कदम क्या बचे भी मारे दम कुर्बे मसीहा छोड़। तहरीक लब्बैक वाले तो अलहमदुल्ला आज भी सोशल मीडिया से भी काम कर रहे हैं, मस्जिदों के भी प्रोग्राम उंजी हो रहे हैं, बाजारों भी प्रोग्राम उंजी हो रहे हैं, लेकिन जेड़े तहरीक लब्बैक नु मिटाना चाहते सन, जेड़े हुजूर दे जिक्र नु कटाना चाहते सन, याद रखो मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटे है न मिटेगा कभी चर्चा। रहेगा यूं ही उनका नहीं नारा इंज लाओ पता लगे वाकई सियालकोट वाले आशिकान ए रसूल बोल रहे हैं, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, और रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह सानू ते बाबा जी ने और दर दसिया ही कोई नहीं, ते बगैर किसी दे दर ते जान दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहरीक लब्बैक नूं फिर कामयाबी अता फरमाई। हाँ ते कल अदम होण वाले करन वाले अज खुद कल अदम हो रहे हैं, हाँ अज उन्हां दा परसाने हाल कोई नहीं, कोई जनाब गेट नंबर 4 दे अगे धक्के खा रहा है लेकिन भीक नहीं मिल रही, कोई गेट नंबर 15 दे अगे धक्के खा रहा है भीक नहीं मिल रही। ते काश आला हजरत नूं पहचानिया हुंदा, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, जो दिल को जो अकल दे खुदा या रसूला फिर तेरी गली से जाए क्यों, फिर तेरी गली से जाए। दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब दे नू ओ ताकतां अता फरमाइयां, अजमतां अता फरमाइयां। अज ते असीं सिर्फ दस्ते मुस्तफा दी गल कर रहे हैं ना, सिर्फ दस्ते मुस्तफा दी बात कर रहे हैं। जदों मक्का फतह होया ना तो फतह तो बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ फरमा रहे सन काबे दा, एक बंदे दा नाम है फुजैल, वो भी
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल नाल तवाफ कर रहा सी। उहदे दिल च ना ख्याल आया भी मुशरकीन नूं शिकस्त हो गई है ते मुहम्मद फतह पा गए ने कौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आम माफी का ऐलान हो गया है। हुण किहनूं ख्याल आना भी कौन की करन लग्या, तलवार मेरे कोल है, हर कोई जनाब बैतुल्ला का तवाफ कर रहा है, तो मैं जो ही मौका मिलता ना मैं तलवार नाल इन्हां दे नबी नूं शहीद कर दिया। अच्छा ख्याल किया तो हजूर जदों चक्कर ला के कोल आए ना, सरकार ने साथ फरमाया तेरा नाम फुजैल है? कहन लग्या नाम जी मेरा नाम फुजैल है। फरमाया की सोच रहे दिल च? मैं दिल च की सोच रहा? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मुस्कुर अल्लाह, मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा। अच्छा हजूर मुस्कुरा पे। सरकार जो अगला चक्कर आया ना, उन्हें हम सोचा भी मौका चंगा है, सीधे जा रहे हैं, तो बस मैं पिछों वार करदा हजूर ना रुक के ते मुड़े पिछा। फिर मैं की सोच रहा? उनका नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा। कहते ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने ते अंज करके मारिया। फिर मैं तौबा कर, कहते ने जो ही दस्ते मुस्तफा मेरे सीने ते लग्या, कहते ने कि जदों मैं घरों निकलिया सा ना, तो यह अस्थि मैनू सब तो ज्यादा नापसंदीदा सी, लेकिन जदों सोने ने हाथ लाया मेरे सीने ते, ते मेरा सीना ईमान नाल भर गया, ते कायनात सब तो ज्यादा पसंदीदा शख्सियत मेरे वास्ते मुहम्मद मुस्तफा बन गए। हुजूर दा दस्ते मुबारक लगदा गया ते ईमान दी दौलत आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दस्ते मुबारक दे तसर्रुफात ने। और फिर जदों मक्का फतह हो गया ते करीब सी एक कबीला हवाजन, उत्थों दे लोग बहुत बड़े पहाड़ी ते बड़े कादावर ते बड़े जंगजू, तीर अंदाजी दे बड़े माहिर। अच्छा जदों उन्हां नूं पता लग्या ना कि मक्का फतह हो गया, मुहम्मद गालिब आ गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कहे दा मतलब चंद दिन बाद फिर साड़ी वारी आई। उन्हें आपस में मीटिंग की, उन्होंने कहा डू एंड डाई की गेम करो, या मरो या मार दो। उन्हें 30,000 का लश्कर जर्रार तैयार किया, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरिया, कोई 60,000 गाय बैल, सोना चांदी हर शह लैके जनाब वो मौत जिंदगी की गेम करने वास्ते ना तुर पे। ते क्यादत इहदा नां है, कायदे का नां नहीं भी कोई आके कहे जनाब पुलिस आ गई, जनाब उधर फोर्स लग गई, इधर रेंजर लग गई, जनाब FC आ गई, तो जनाब साहब दियां लत्तां उत्थे कंबी जांदियां। कहे नहीं नहीं मैं हमारा इरादा तो लड़ने का है ही नहीं, ये हम तो किसी के मुखालिफ है ही नहीं ना जी, हम तो अमन पसंद है। नहीं नहीं असी अमन पसंद जरूर हाँ, लेकिन याद रखना हुजूर दी खत्मे नबुवत या नामो से रिसालत पे हमला होए फिर असी अमन पसंद नहीं। इस्लाम जिथे अमन का दरस देंदा है उथे गैरत का दरस भी देंदा है। हाँ उथे गैरत का दरस भी देंदा है। जो आके किसी ने हजूर अर्ज किया ना कि हजूर 30,000 का लश्कर है, किन्ना 30,000, 30,000 का लश्कर और बहुत बड़े जंगजू हैं, तीर अंदाज है उनके पास और तलवारों के बड़े धनी हैं, पूरे अरब में उनका मुकाबला कोई नहीं करता, और इतने 24,000 ऊंट है साथ, 40,000 बकरिया है, इतनी गाय, इतना सोना चांदी, वो लोग तो अब जिंदगी की आखिरी गेम करने के लिए आ रहे हैं। आका करीम मुस्कुराए, फरमाया ते तुसी इस ते खुश नहीं जे ए लोग तुहाडे कैदी होण कल, ते उन्हां दा माल तुहाडे को वास्ते माले गनीमत होए, ओ जितने बड़े जंगजू ने उन्हां दे हाथ मगर बने होण ते तुसी जानवरां दी तरह हिक के मक्के लिया रहे हो, हिक के मक्के लिया रहे हो। ए क्यादत इहदे नाल है, ये नहीं भी इधर ते ज्यादा तो ज्यादा हजूर ते 10,000 का लश्कर लैके आए सन ना मक्के वाल, ते कुछ लोग इथों नाल शामिल हो गए, 12,000 हो गए, इधर 12,000 है, अगे 30,000 है। ते फिर को कहे जी तादाद तो इतनी है, बंदे तो इतने हैं, तो अब क्या होगा, उनके पास तो जदीद असला है हमारे पास तो नहीं है, उनके पास तो सवारी इतनी है हमारे पास नहीं है। ना ना जंगा कदे भी तादाद नाल नहीं लड़िया जांदियां, जंगा जदों भी सहाबा ने लड़िया इश्क मुस्तफा नाल लड़िया। हाँ
अच्छा हुजूर ना 12,000 का लश्कर लेके ना ताजदारे कायनात भी मक्यों चल पे। यह गजवाए हुनैन केड़ा गजवाए हुनैन हुजूर भी चल पे। अच्छा जो हुजूर का लश्कर चलिया ना उन सहाबाए किराम पहली मरतबा इतना बड़ा लश्कर लेके किसी नाल जंग वास्ते जा रहे थे। अज तो पहले कभी भी 12,000 का लश्कर नहीं सी। कई नवे नवे भी नौजवान नाल रले सन उन्हें जो वेख ना हद्दे निगाह तक लोग उन्होंने अपनी अद की कसरत जो नजर आई ना उन्हें क्या अज सू जंग कौन हरा सकता है। कभी असी 200 बंदे लैके लड़े कभी 400 नाल लड़े कभी 600 नाल कभी 1,000 बंदा जाके लड़े कभी 300 बंदा जाके लड़े और जो हद्दे निगाह तक 12,000 का लश्कर अज कौन सू शिकस्त दे सकता है। चंद लम्हों वास्ते उन्हां दी तवज्जो अपनी तादाद वल चली गई ते जिस मुस्तफा दे सदके जितदे सन उहदे वलों तवज्जो हट गई। इन्ना जिहड़ा एक लम्हे वास्ते दिल च ख्याल आया ना ते बस रब नूं गल पसंद नहीं आई कि मैं ते फतह तुहानूं महबूब दे सदके देंदा सां तुहाडी तवज्जो तादाद वल चली गई। अच्छा जो ही इह लश्कर पहाड़ी इलाके पहुंचा ना वह पहले ही आके छुपे हुए सन उन्होंने तीरां दी बारिश कर दी भगदड़ मच गई। 100 सहाबा हजूर दे आले दुआले रहे और बाकी लोग जड़े ना वो इधर उधर बिखर गए। जो तो लोग बिखर गए सब नूं ऐ लग्या भी मुसलमान हार गए मुसलमान। हजूर ना मादा खच्चर ते सवार सुना अकाल इस्लाम ने जो वेख्या ना सारे इधर उधर हो गए ते हुजूर ने ना गालबन हजरत अनस बिन मालिक सन या अब्दुल्ला बिन मसूद सन नाल हुजूर ने उन्होंने फरमाया इत्थे मैनू ना कंकरियां ते रेत दी एक मुठ पकड़ाओ। अच्छा यह गल जदों हुजूर ने फरमाई ना ते मादा खच्चर ने सुन ली। मादा खच्चर फौरन जमीन ते बैठ के ना ते हुजूर दे ते दोवें हाथ दाएं ने हुजूर दे दाएं हाथ मुबारक वल ना वो इंज झुक गई कि हुजूर खुद उठा लैन कंकरियां ते अज मेरी खिदमत भी कम आ जाए। है ते जानवर मादा खच्चर है। अच्छा आका अलैहिस्सलाम ने ना वो रेत ते कंकरियां दी एक मुठ पकड़ी शाहतुल वजूह पढ़ के ना फूक मार के ते उन्हां काफरां वल सुट्टी ते काफरां दी तादाद किन्नी है हुण बदर दे अंदर सी 900 या 1,000 इत्थे किन्नी है 30,000। अच्छा जो ही आका अलैहिस्सलाम ने रेत ते कंकरियां दी मुठ उन्हां वल फेंकी ना हर काफर दे ओ कंकरियां नक च भी पईआं मूंह च भी पईआं अखां च भी पईआं कन्नां च भी पईआं मूंह च पईआं ते बोलणा बंद हो गए अखां च पईआं ते देखणा बंद हो गए खुल्लियां अखां ने नज़र कुछ नहीं आ रहा कन्नां च पई ते सुणना बंद हो गए। फिर एक काफर दे नहीं दो दे नहीं तीन दे नहीं किन्ने काफर सन 30,000 ते सारिआं दे सारिआं दे मूँह कन्ना अखां नक च पहुंचीआं ते किसे मुसलमान नूं उहनां कंकरियां ने टच भी नहीं कीता किसे मुसलमान नूं। इत्थे मैनूं इक गल दसो यार इहनां कंकरियां नूं किन दस्सिआ सी इह मोमन ते काफर है हैं ओ को किथे सी को किथे ओ एक एक मुसलमान नूं चार चार काफर फड़ी फिरदे सन मुसलमान नूं ते कंकरी लगी ही नहीं। पता चलिया जो ही मेरे आका दे हाथ लगे ते मुर्दा कंकरियां दे अंदर जान आ गई मुर्दा कंकरियां नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखां दे दित्तियां अल्लाह ने दिमाग दे दित्ता काफर मोमन ते दी पहचान अता कर दित्ती। मुर्दा कंकरियां दे अंदर सोहणे मुस्तफा दा दस्ते मुबारक लग्या आका दे हाथ मुबारक दी इह बरकत है मुर्दा कंकरियां दे अंदर जान पै गई। ओ जनाब जेड़े जेड़े काफर नूं लगदी जांदी जिथे खलोता उत्थे ही खलोता ना नजर आ रहा ना सुन रहा ना बोल सकदा हुण एक एक मुसलमान दसां दसां नूं बन के लई आउंदा दसां दसां नूं। अब रब ने दिखाया कि तुसीं अपनी पूरी ताकत लगा ली 12,000 ने लेकिन तुसीं फतह ना पा सके मेरे महबूब का दस्ते मुबारक हिलिया अल्लाह ने फतह अता फरमाती नाल ही फरमाया महबूब प्यारे बमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब प्यारे ए जड़ियां कंकरियां तुसा मारियां ना ए तुसी नहीं मारी ए तुसी
ولکن اللہ رما، بلکہ اے تے اللہ نے مار لیا۔ کینے ماریاں نے؟ اب ہاتھ لہرایا کے دا حضور دا، تے رب فرماندا سنیا اے تیرا نہیں، تیرا نہیں۔ جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے او دے تصرفات اور او دیاں برکتاں دیکھو، او رب دیاں رحمتاں دیکھو کہ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ ہلایا، ہری ہوئی جنگ دوبارہ مسلمان جیت گئے۔ جو کم 12,000 تو نہیں نہ ہویا، او حضور دے دست مبارک نو حرکت ہوئی تھی، او کم ہے اچھی بولو ہو گیا۔ لیکن آج دنیا چلی ہے، کوئی کہندا جی پیسہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کہندا دولت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کہندا ہم ان بدماشوں کے مقابلے میں کھڑے تو ہوں، لیکن ہماری افرادی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ بھائی وسائل کی بھی ضرورت نہیں، پیسے کی بھی ضرورت نہیں، دولت کی بھی ضرورت نہیں، اس عقیدے اور یقین کی بات ہے جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو اپنے آقا پر تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کنا نعد الآیات بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم ان آیات اور آقا علیہ السلام کی برکات اور معجزات کو حضور کی طرف لوٹاتے تھے کہ یہ ساری برکات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہیں۔ تو آج اس عقیدے کی ضرورت ہے، اس یقین کی ضرورت ہے۔ جب وہ یقین کامل ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا اس جنگ دے اندر، جنگ حنین دے اندر مسلمانوں نے 4 لوگ شہید ہوئے، کنے؟ تے مشرکین دے 300 بندے قتل ہوئے نے، کنے؟ اچھا انہوں نے بن کے لے آندا، ایتھے کچھ جذباتی مناظر بھی آئے، جے تو بن کے لے آندا نا قیدی بنا لے۔ بعد دے اندر حضور نے فرمایا بھی ہر کوئی فدیہ دے کے تے اپنے قیدی چھڑا کے لے جاوے۔ ہن انہوں نے حوازن والیاں نے نا چند بندیاں دی ڈیوٹی لائی، بزرگاں دی بھی، تسیں جنہاں جنہاں ساریاں نوں آؤدا ہے نا، کسے دا جنگ وچ گیا یا نہیں گیا لیکن حصہ سارے پان تاکہ سارے قیدی چھڑا لے جان۔ اور مثلا کلو آؤدا سی، 2 کلو آؤدا سی، 10 کلو آؤدا سی، فی کر نوں انہاں ذمے لا دتا۔ وہ 3-4 بابے جڑے نا وہ سارے کولوں کٹھا کردے پھردے سن، کٹھیا کردیاں کردیاں ایک مائی صاحبہ دے گھر گئے، انہوں نے کہنے لگے بھی تسی بھی اپنا حصہ دیو۔ انہوں نے کچھ کھجوراں لیا کے دیتیاں، کچھ اور چیزاں لیا کے دیتیاں، اندروں چیزاں کٹھیاں کر رہی ہیں سن، کپڑے کپڑے دوسری تیسری چیزاں۔ وہ چاروں بابے نہ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے سن، انہوں نے کہا یار اختلاف اپنی جگہ تے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ تے، پر جنہ مسلمانوں دا نبی سونا ہے نا کائنات تے ایڈا سونا کوئی نہیں، حالانکہ انہیں اجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا۔ انہیں کیا انہیں دیا اخلاق، انہیں دی اخلاق دیا کسی دا اخلاق بھی نہیں، انہیں دی شفقت دی کسی دی شفقت بھی نہیں۔ بڑے بڑے حسین دیکھے، جمیل دیکھے، پر سونے محمد دیا سونا کوئی نہیں۔ اچھا جدو اے گلاں پہیاں نا وہ مائی صاحب دے کرنا، اچھا انہیں کہا جدے حسن دے تذکرے اے کر رہے ہیں، ایڈا سونا دا میرا ویر ہی ہو سکتا ہے، کائنات تے اور کون ایڈا سونا ہو سکتا ہے۔ وہ دوڑ کے باہر آئی ہیں، کہیں تسی کنیاں گلاں پہ کر دے کہ جنہاں نال ساری لڑائی ہوئی ہے۔ انہاں کہا انہاں دا نام کی ہے؟ انہاں کہا انہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ۔ مائی صاحبہ فرمان لگیاں انہاں نال تو اڑی جنگ ہوئی؟ انہاں کہا ہاں۔ انہاں کہا اے سارا کچھ تسی انہاں نو دینا ہے تے پھر قیدی چھڑانا ہے؟ انہاں کہا ہاں۔ انہاں کہا تسی مینو لے چلو، میں انجی چھڑا دینا، مینو لے چلو۔ اے انہاں پائیاں واسطے بھی سبق ہے جنہاں دی پہناں تے جے کوئی شادی بیاہ دا معاملہ آوے تے پہناں آ کے منتا کر دیاں نے کہ نہیں جاؤ اسی نہیں جانا، بس تہاڈی ساڈی آئی گل مک گئی۔ اوتھے این جوندے نے جویں پوری دنیا دے مالک ہی ہیں تے پہناں جناب پتراں نوں لے کے تے ہتھ بن کے دروازے اگے کھلوتیاں ہوندیاں جی، ساڈی غلطی دی معافی دے دے، ساڈی غلطی کی کیتی بھی جڑا پیو والو حصہ ہوندا سی او لے لیا، جرم اے کیتا بھن نے، ہن بھرا جناب انہاں دا مرن جین مکا دیتا بھی اسی نہیں آونا۔ یہ انہاں بھراواں واسطے بھی سبق ہے، سبق حاصل کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھن دی کنی شان دسی اور کنج بھن نال پیار کرنا میرے مصطفیٰ کریم نے دسیا، گو کے ردائی بھن سی نال رل کے نہیں سی جمی ہوئی۔ وہ مائی صاحبہ نو لے کے ٹر پے، یہ مائی صاحبہ کوئی عام نہیں، یہ مائی صاحبہ وہی نے جڑیاں حضور دے بچپن دے اندر حضور دا چولہا بھی چلانیاں سن،
ते उंगली पकड़ के ते हजूर दे सारे चल दियां भी सन कुल कायनात जो हजूर दे सारे हजूर दे सारे चल दियां भी सन इन्हां दा नाम है हजरत शीमा ये आ गईयां ते सेने काबा रेशमी खैमा लगा होया ते अगे अरबी जवान नंगियां तलवारां लैके इंज खलोते अगर कोई अगे आन लगदा ते इंज नंगियां तलवारां दोनों पासों आ जांदियां रस्ता डक देना जो ये माई साहब आईया तो उन्होंने जनाब अरबी जवाना ने इंज करके रस्ता डकिया उन्होंने दोवें हाथों इन तलवारा पा के ना उन्हें कहा खलू सबीली अना उख्त नबीयकुम पर मैं मेरा रास्ता छोड़ दो मैं ही तो तुहाडे नबी दी भैण तलवारा भी झुकियां सर भी झुक गए हजरत से शीमा अंदर गई आका अल इस्लाम ने इस्तकबाल फरमाया नाल बिठाया नाल पूछा भैण तुसी किवें आए अर्थ की जिन्हां नाल तुहाडी जंग हुई है ना मेरी शादी इसे कबीले च हुई है ते मैं कैदियां नूं छुड़ाउण वास्ते आई हाँ ते फरमाया भैण तू ना आंदी पैगाम भेज दिंदी मैं कैदी भी छोड़ दिंदा मिलण वास्ते भी आ जांदा जदों हजूर दे अखलाक नूं देखिया उन्हां सारिआं कहा शहादो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा शहादो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह फिर मैं क्यों ना कहां तेरिया तक के अदावां मैं मुरीद तेरिया तक के अदामा मैं तो बहरहाल अर्ज कर रहे दस्ते मुस्तफा दे मौजजात दी कि जेड़ा कम 12,000 दा लश्कर ना कर सकया दस्ते मुस्तफा नूं हरकत होई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम लै लिया फिर आका अलैहिस्सलाम दी आदत करीमाना सी कि जदों हजूर तशरीफ लियांदे सन ना जिस गली जाना ना बच्चों ने दौड़ के आ जाना सलाम करन वास्ते ते बच्चों ने ना अपने चेहरे अगे कर देने किसी दे एक रुखसार ते हजूर ने हाथ ला देना किसी दे दोवां रुखसारां ते हाथ ला देना ते सहाबा फरमांदे ने जिहदे एक रुखसार ते हाथ लगना ना वह एडा सोहना हो जाना कि जिहदे नाल दा सोहना होर कोई ना होना एक साइड उंजी होनी जिवें मां ने जम्मिया ते जिधर दस्ते मुस्तफा लगना वह एडा सोहना हो जाना एक सहाबी दे पूरे चेहरे ते हजूर ने अज हाथ लाया सहाबा फरमांदे ने 80 साल की उम्र हो गए उम्र दे हो गए उन्होंने चेहरा इंज लगता सी जिवें बच्चे का चेहरा है ते सोने एडे सन के लोग शीशा नहीं सी वेखते उन्हां दा चेहरा वेखते सन तो उहदे च अपना चेहरा नजर आता पर एक बंदा पागल हो गया बच्चा जो पागल होया ना तो हजूर ने उहदे सिर ते हाथ रखा उहदा पागलपन चला गया लेकिन सरकार दे पर्दा फरमान तो बाद अगर किसी ने पागल हो जाना तो लोगों ने लिया के ना उहदे वाल इंज करके नाल लाने पागल दे पागल नूं अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी पागल नूं अल्लाह ने ते सहाबा फरमांदे ने उन्हां दे सारे वाल चिट्टे हो गए लेकिन जिथे हजूर ने हाथ लाया सी ओह काले ही रहे ओह वाल है यार जिथे हजूर दा हाथ लग जाए ओह ते जवानी सलामत रहिंदी है ते तुसीं की कहिंदे हो हजूर पर्दा फरमा गए हैं चलो जे कंकरियां नूं हाथ लगे ते कंकरियां जिंदा हो जाए बल्कि मशहूर वाक्य है अज उहदे वल तुहाडी तवज्जो कराना हजूर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सतून के नाल ना टेक ला के खुतबा इरशाद फरमाते सन हजूर के हाथ मुबारक लगे हजूर का जिस्मे मुबारक नाल लग्या उत्थे जदों मिंबर बन के आ गया ना हजूर मिंबर ते अज पहला खुतबा इरशाद फरमाण लगे खुतबा शुरू होया तो मस्जिद नबी शरीफ च रोण की आवाज़ आने लग पई सहाबा फरमाते ने इंज कोई रोंदा सी जिवें गब्बन ऊंटनी शदीद तकलीफ के अंदर रोंदी है या गाय का बछड़ा मां तो जुदा होकर रोंदा है वह इन्नी शदीद रोण की आवाज के सहाबा किराम भी चीख चीख के रोन लग पे दो रिवायतें एक है कि हजूर ने जाके उन्हें हाथ फेरिया एक है हजूर ने इशारा फरमाया तो जमीन नू चीरदा हजूर की बारगाह चादर हो गया सरकार ने उन्हें हाथ फेरिया तो वह इंज ना जिस तरह बच्चा इंज सिसकियां लैके चुप करता ना वह इंज करके सुक्का खजूर का तना इंज करके खामोश होया अच्छा सरकार ने इरशाद फरमाया भी क्यों परेशान है तेन मैं बीज दिया जमीन तू तरो ताजा है लोग तेरे फल खां इन्हें कहा नहीं यार फिर मैं फिर तेन जन्नत ही लगा दें ताकि जन्नत ही तेरा फल खां अर्ज की जी यार हुण इत्थे एक गल गौर नाल समझो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं उची बोलो ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे जिंदा लेकिन जिन्हां मुर्दियां च ईसा अलैहि सलाम ने जान पाई ना उन्हां दे हाथ भी आ सन पैर भी आ सन अखां भी आ सन
जुबान भी ऐसी, दिमाग भी ऐसी, पूरे आजा सन, सिर्फ रूह निकली। ईसा इब्ने मरियम ने कुम बे इज़्निल्ला कह के उन्होंने रूह लुटाई, वह जिंदा हो गए, रूह लुटाई हो। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने जिन्होंने जिंदगी दी, इस उसने हनाना ये हाथ भी नहीं सन, ये पैर भी नहीं सन, एदी अखां भी नहीं सन, ये कन भी नहीं सन, एदा दिमाग भी नहीं सी। लेकिन जो ही दस्ते मुस्तफा लग गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसने हनाना नू उस लकड़ दे खुश्क सतून नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखां भी दे दित्तियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसनू दिमाग भी दे दित्ता, उनू कन भी दे दित्ते ताकि सुन सके। हुण जदों मुस्तफा करीम ने बात की, उन्हें सुनी भी, उन्हें समझी भी, उदे अंदर दिमाग भी आ गया, उदे अंदर दिल भी आ गया कि जिसने इस हुजूर की जुदाई नू महसूस किया, हुजूर की जुदाई नू महसूस किया और अखां अता कर दित्तियां, जिहदे नाल उन्हें देख लिया पहले सोना इत्थे हुंदा सी, अज सोना मिंबर ते जलवा कर रहा है। सोने मुस्तफा ने जिस मौत नू हयात के अंदर बदलिया, अखां भी नहीं सन, कन भी नहीं सी, दिल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ किए तमाम अहबाब, हमारे बड़े ही कदर मेहमान उस्ताद उलामा हज़रत अल्लामा। वरना आप जितना मर्जी जोर लगा ले, जी फलां से डॉलर मिल जाएंगे तो जनाब मुल्क डिफॉल्ट होने से बच जाएगा, फलां से डॉलर ले मिल जाएंगे। याद रखना, जब तक सूद वाली लानत मौजूद है कभी कामयाबी नहीं हो सकती, और इन सारी लानतों से जान छुड़वाने का एक ही रास्ता है, वो है हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर। और जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा तो याद रखना ये दस्ते मुस्तफा की बरकत भी दीन वालों को नसीब होती है, दीन वालों को नसीब होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मालिक हमें आका अलैहिस्सलाम से सच्ची सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम। भाई हर बंदा अपनी जगह पर बैठ जाए। उस्तादुल उलमा सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज हफीजुर रहमान साहब कादरी रज़वी, आपका आलिमाना फाजिलाना मुहक्किकाना खिताब होगा इंशाल्लाह। सब साथी जो खड़े हैं बैठ जाएं। अब आपसे गुजारिश है बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, हजरत को रास्ता दे दीजिए, अल्लाह करीम आप सबको खैर व बरकत दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मोहब्बत के साथ ताजदारे खत्म नबुव्वत। माशाल्लाह उस्तादुल उलमा।